क्या आप अरुणाचल प्रदेश में पढ़ना चाहते हो मगर आपको नहीं पता कौन सा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो आप मेरा साथ जुड़े रहिएगा, मैं हर रोज़ इसी तरह आप लोगों को नया इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कूजा मैदा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल करियर गाइड में। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। एस ऑफ जून 1, 2020 का मुताबिक देर आर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो कि ओनली एंड वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन अरुणाचल प्रदेश, उन्हीं 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से एक है। और अब हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश में कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, माना कि JNC कॉलेज पासीघाट को स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। अरुणाचल प्रदेश में 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है और डीम यूनिवर्सिटी का बात करेंगे तो ओनली 1 डीम यूनिवर्सिटी है जो कि नेरिस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निर्जोली में लोकेटेड है। और ऑटोनोमस का बात करेंगे तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 2 है। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UPI में है और दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडी दाहोंग वेस्ट कमेंग में लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश में 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। नंबर 1 है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज नामसाई में है और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि शॉर्ट फॉर्म में नेप्टू कहा जाता है, ये आलो में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। और तीसरा है एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पासीघाट में लोकेटेड है। और 4 नंबर में है हिमालयन यूनिवर्सिटी ईटानगर में है और 5वां नंबर में है अरुणोदया यूनिवर्सिटी, ये भी ईटानगर में है। और 6 नंबर में है इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो कि 0 लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। और लास्ट 7 नंबर में है वेंकटेश्वरा ओपन यूनिवर्सिटी, ये नाहरलगुन में है और ये यही सिर्फ है जो अरुणाचल प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी है। अगर आप BTEC या BE करना चाहता है तो आप अरुणाचल प्रदेश में पढ़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इंजीनियरिंग डिग्री इंस्टीट्यूशन 4 है। नंबर 1 में है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अरुणाचल प्रदेश में ये सिर्फ है जो डीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नंबर 2 में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये UPI में है, ये भी सेंट्रल ही फंडिंग करता है। उसके बाद नंबर 3 में है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और नंबर 4 में है एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पासीघाट में है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करेंगे टॉप इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे टॉप मेडिकल कॉलेज अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं है लेकिन कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो MBBS ऑफर करता है। नंबर 1 में है टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस जिसको शॉर्ट फॉर्म में TRIM कहा जाता है, ये नाहरलगुन में है और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और नंबर 2 में है नॉर्थ ईस्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये ईटानगर में है और इसको टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है। और नंबर 3 में है इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, ये 0 में है लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। नंबर 4 में है स्कूल ऑफ नर्सिंग इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो कि नर्सिंग कोर्स ऑफर करता है। नंबर 4 में है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी नामसाई, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन ये भी 4 ईयर का BSc इन नर्सिंग का कोर्स ऑफर करता है। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की लॉ डिग्री इंस्टीट्यूशन के। नंबर 1 में आता है जर्बम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ये 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये जोटे ईटानगर में लोकेटेड है। ये सिर्फ है अरुणाचल प्रदेश में ओनली 1 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है। उसके बाद बाकी नंबर 2 में है अरुणाचल लॉ एकेडमी, ये लेकी में है लेकिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडी अरुणाचल यूनिवर्सिटी नामसाई, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नंबर 4 में है एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पासीघाट में है। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल डिग्री इंस्टीट्यूशन की।
नंबर वन में है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट, एंड नंबर टू में है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट। ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्फाल का अंदर में आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली फंड करता है। और नंबर थ्री में है नेरिस, आप उधर में एग्रीकल्चर एमएससी कर सकता है। और नंबर फोर है आरजीओ। और नंबर फाइव में है अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी नामसाई, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन आप बीएससी इन एग्रीकल्चर वहाँ में कर सकता है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जीरो में है, उधर में आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकता है। अब हम बात करेंगे कॉलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में एस ऑफ 2020 देर आर 15 गवर्नमेंट एंड 21 प्राइवेट कॉलेजेस इन अरुणाचल प्रदेश आर एफिलेटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। दिस आर द मोस्ट पॉपुलर एमोंग देम। नंबर वन में है डेरा नाथुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, यहाँ में आपको आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस तीनों कोर्स का ऑफर करता है। और नंबर टू में है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट, यहाँ में भी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। और नंबर थ्री में है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू, यहाँ में भी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। नंबर फोर में है वांगचा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज देवमाली, ये चांगलांग में है और ये भी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस तीनों स्ट्रीम ऑफर करता है। और नंबर फाइव में है गवर्नमेंट कॉलेज बोम जिला, इसमें भी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम का ऑफर करता है। नंबर सिक्स में है दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामक, ये आलो में है, इसमें सिर्फ दो कोर्सेस ऑफर करते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स ओनली, साइंस उसमें नहीं है। उसका बाद सेवन में है डॉन बॉस्को कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज है जो कि ईटानगर में लोकेटेड है, यहाँ में आर्ट्स एंड कॉमर्स का ही ऑफर किया जाता है। उसका बाद नंबर एट में है सेंट क्लेरेट कॉलेज, ये भी प्राइवेट कॉलेज है जीरो में है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ में पर्टिकुलरली बीए इन मास कम्युनिकेशन का स्पेशलाइज्ड ऑफर करता है, साथ में बीए और बीकॉम भी ऑफर करता है। और नाइन नंबर में है सेंट फ्रांसिस्को डी सेल कॉलेज आलो, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट्स एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।